अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लास्ट यूनिट व्हिच इज यूनिट नंबर 8 फॉर द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। एंड दिस कोर्स आउटलाइन इज फॉर बीए 1.5, बीए 2.5 फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट पेशावर यूनिवर्सिटी खैबर पख्तूनख्वा। यूनिट नंबर 8 रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग। We are going to discuss three main subtopics, which are format of research report, preparing or writing the research report, and then referencing. So let we start with the format of research report. But before going to discuss what is the format of research report, we are going to discuss with research report writing. Now, what is research report writing? Writing a research report involves organizing and presenting the findings of your research in a clear and structured manner. So, what is the format of research report? Format of research report will include number one thing, which is title page. अब title page क्या है, research का जो format क्या है वो क्या है कि आपने जो research बनाई, research proposal आपने पहले develop किया, अब आपने उस research को लिखना कैसे है, उसकी तरतीब क्या है। नंबर वन आ जाता है आपके पास ये टाइटल पेज। टाइटल पेज में आपने क्या क्या लिखना है, आपने टाइटल ऑफ द रिपोर्ट यानी आपने जो प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम डिस्कस किया या लिया आपने वो लिखना है। देन आपने अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ सबमिशन लिखनी है, और एफिलिएशन यानी वो किस डिपार्टमेंट या किस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है। देन नंबर थिंग इज एब्स्ट्रैक्ट। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या है, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो फुल रिसर्च की, पूरी रिसर्च की 150 से 250 या मोर देन 300 टू 500 वर्ड्स आप जो है वो एक रिपोर्ट लिखते हैं। आप उसमें क्या लिखते हैं, आप समरी लिखते हैं, आप उसमें रिपोर्ट का उस रिसर्च का पर्पस लिखते हैं, आप उसकी मेथोडोलॉजी लिखते हैं, आपकी फाइंडिंग्स लिखते हैं, और आप कंक्लूजन्स लिखते हैं कि हाँ जी इस रिसर्च को मतलब इसको लिखने का मकसद क्या है। कि अगर किसी बंदे ने पूरी रिसर्च नहीं पढ़नी तो वो एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लेगा और उसे पता चल जाएगा कि हाँ जी इस रिसर्च थीसिस में ये कुछ लिखा हुआ है। देन टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट जो है वो आपके सेक्शंस को जो है वो बताएगा कि आपने टेबल ऑफ कंटेंट में ये चीज़ें। देन आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया। अब इंट्रोडक्शन क्या है, इंट्रोडक्शन में आपने जो है वो बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन दे दी रिसर्च के टॉपिक की। देन आपने ऑब्जेक्टिव्स और हाइपोथेसिस लिख दी, और उसके बाद आपने जो है वो स्कोप और पर्पस ऑफ स्टडी लिख दिया, और ये बाकायदा हेडिंग के साथ लिखा जाता है। अच्छा, इंट्रोडक्शन के साथ बहुत सी जगहों पे यूनिट नंबर 1 स्टार्ट होता है। ये हम लोग कह सकते हैं कि तीन हिस्से हैं जिनको हम कहते हैं कि स्टार्ट पेज, मेन थीसिस, एंड देन आखिर में आ जाते हैं आपके कंसेंट लेटर्स, आपके परमिशन लेटर्स, आपके जो सुपरवाइजर्स की वो जो थैंक रिपोर्ट आप लिखते हैं वो सब कुछ लिखते हैं उस पर। मेन थीसिस जो है वो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट होता है, जिसको चैप्टर 1 कहते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें आती हैं। देन आपका लिटरेचर रिव्यू आता है। लिटरेचर रिव्यू क्या क्या चीज़ें कवर करेगा, जो आपका टॉपिक है रिसर्च का उससे रिलेटेड आपने जितनी रेलेवेंट स्टडीज़ की हैं उस टॉपिक के साथ मिलती हुई, आपने उनको जो है वो कहीं ना कहीं पे हवाला देना है। देन आप ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं, आप उस चीज़ को भी लिखेंगे, और उसके साथ आप थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क लिखेंगे। आप थ्योरेटिक कौन सी थ्योरी के साथ ये रिसर्च टॉपिक बिलोंग कर रहा है। मेथोडोलॉजी जो है वो यूनिट नंबर 3 में आती है, और इसमें आप लिखते हैं रिसर्च का डिज़ाइन लिखते हैं, रिसर्च की अप्रोच क्या है, कौन सा मेथड यूज़ हुआ है, क्या आपने क्वालिटेटिव मेथड यूज़ किया, क्या आपने क्वांटिटेटिव मेथड यूज़ किया, क्या आपने मिक्स मेथड यूज़ किया। देन आपके पास डेटा कलेक्शन का मेथड आता है, आप इस तरीके से आपने डेटा कलेक्ट किया, आपने सर्वेस किए, आपने इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए, आपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट की, कौन सा टूल यूज़ किया। देन आपने जो है वो क्या किया कि आपका सैंपल साइज क्या था, और किस बेस पे आपने जो क्राइटेरिया आपका सिलेक्शन का था, आपने पार्टिसिपेंट्स को जो सेलेक्ट किया वो उसका क्राइटेरिया क्या था। देन आपने डेटा के एनालिसिस की कौन सी टेक्निक्स यूज़ की है, मोस्टली जो है वो डेटा एनालिसिस का चैप्टर सेपरेट हुआ करता है। उसके बाद आपके पास आती है रिजल्ट्स। अब इतना सब कुछ जो आपने किया, आपने उसके बाद उनको बड़े ऑर्गेनाइज्ड और अच्छे तरीके में आप उसको लिख लिया, आपने टेबल्स को प्रेजेंट किया, आपने चार्ट्स यूज़ किए, आपने फिगर्स यूज़ किए डेटा को प्रेजेंटेबल बनाने के लिए।
देन आपने टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन अगर ज़रूरत है तो आप दे दें। डिस्कशन डिस्कशन क्या है, आपका जो रिजल्ट आया सर्च ऑब्जेक्टिव्स का मैचेबल है, आपने जो थ्योरीज लिखी और जो लिटरेचर लिखा उसको कंपेयर किया फाइंडिंग्स में, देन आपने जो रिजल्ट्स आए वो अनएक्सपेक्टेड थे या कॉन्ट्रडिक्टरी थे, आपने उनको डिस्कस किया, आपने उनकी इम्प्लीकेशंस और उस स्टडी की लिमिटेशंस डिस्कस की। उसके बाद आपके पास आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है कि आपने यहाँ पे मेन फाइंडिंग्स और इम्प्लीमेंटेशंस को या इम्प्लीकेशंस को समराइज करके लिखना है। उसके बाद आपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव और उनको आपने किस तरह से डिस्कस किया और किस तरह उनको अचीव किया, आपने उनको दोबारा से लिखना है। देन आपने फर्दर रिसर्च के लिए कुछ टॉपिक सजेस्ट किए या आप कह सकते हैं कुछ रिकमेंडेशंस दे दी। रेफरेंसेस, अब स्टाइल में आपने रेफरेंस लिखा, अगर आप सोशल साइंसेस से हैं तो आप APA में अपने रेफरेंस लिखेंगे, अगर आप अप्लाइड साइंसेस या बेसिक साइंसेस से हैं तो आप MLA या शिकागो स्टाइल यूज़ करेंगे। उसके बाद आता है अपेंडिसेस, मोस्टली इसको हम लास्ट के पेजेस पे डिस्कस करते हैं, और इसमें आपका एडिशनल मटीरियल सपोर्टिंग जो होता है, आपने क्वेश्चनेयर जो आपने यूज़ किया या आपने इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस लिए वो लिखे या कुछ जो भी आपने टूल यूज़ किया, आपके परमिशन लेटर्स जितने होते हैं आपने वो सब यहाँ पे लिखे होते हैं। अब कुछ टिप्स देख लेते हैं रिसर्च की को फाइनल लिखने में, तो आपके जो स्टाइल है वो बड़ा फॉर्मल होना चाहिए, क्लियर और कॉन्साइज होना चाहिए। उसके बाद हेडिंग और सब हेडिंग्स की जो रिपोर्ट में ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़ी इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कोहेरेंस, कोर करेक्टनेस और क्लैरिटी, इसको चेक करने के लिए आपने एडिट कराया इसको किसी से या फिर प्रूफ रीड कराया। जो लैंग्वेज आपने यूज़ की है वो बायस्ड लैंग्वेज ना हो और ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। उसके अलावा जिन लोगों ने आपको प्रॉपरली आप सोर्सेस थे आपने उनको वहाँ पे लिखा, और प्लेजरिज्म कोशिश करें कि उसको अवॉइड करें, मतलब कहीं से कॉपी पेस्ट वाला काम नहीं करना। देन आपने माइंड में ये रखना है कि जिस वक्त आपका रिसर्च रिपोर्ट लिखना है वो आप कि अपने तक नहीं है, वो इंस्टीट्यूशन को प्रेजेंट कर रहा है, वो पब्लिश होगा, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, और उसके अलावा ये नेक्स्ट किसी जनरेशन या नेक्स्ट रिसर्च के लिए वो एक रेफरेंस होगा या वो गाइडलाइन होगा, और ये जो है वो आपके साथ साथ आपके सुपरवाइजर को भी रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, मैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में कोशिश करूँगी कि मुझे किसी यूनिवर्सिटी का जो है ना वो रिपोर्ट रिसर्च थीसिस लिखने का पैटर्न मिल जाए तो मैं आपके साथ उसको डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह इन डिटेल। मैं कोशिश करती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो मुझे ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ आ सके, या फिर मुझे कोई थीसिस कंडक्ट हुआ हुआ तो मैं उसकी एक वीडियो बना के प्रॉपर आप लोगों के लिए गा दूँ। उम्मीद है कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमारे पास सिर्फ दो टॉपिक रह जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं इस सब्जेक्ट को जल्दी से जल्दी कवर करूं, एंड आई ट्राई माय बेस्ट कि ये वो सब्जेक्ट है जो बहुत इम्पोर्टेंट है और इसके इसमें मार्क्स आ भी जाते हैं और नहीं भी आते। अगर आपने अच्छे से इसको किया है तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, सॉलिड मार्क्स आते हैं ये सब्जेक्ट ऐसा है। विल मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय बाय।